ये जो चैप्टर है ये हमारा AS20 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तुम्हें याद है मैंने करवाया था, एक पूरा का पूरा वो बनाता था टेबल, सबसे एंड में जाके आते थे अर्निंग फॉर इक्विटी। यस सर। इसको नहीं याद है? अरे अच्छा EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, वो एंड में जाके अर्निंग फॉर इक्विटी नहीं आता। तो वो जो अर्निंग फॉर इक्विटी आता है उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो हमने एक सिंपल सिचुएशन पढ़ी थी उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, वो जो अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा था उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी कंडीशन होती है कि अर्निंग पर शेयर पे क्या क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है, कब वो कम हो जाता है, कब वो ज़्यादा हो सकता है, तो सारी चीज़ें इस वाले AS में कवर की गई है। तो पहले हम लोग बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20 इज टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कंप्यूटेशन क्या है, एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ अर्निंग पर शेयर विच विल इम्प्रूव कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अमंग डिफरेंट एंटरप्राइज फॉर द सेम पीरियड एंड अमंग डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉर द सेम एंटरप्राइज। अरे बात हमें अर्निंग पर शेयर देखो, जो कंपनी अर्निंग पर शेयर ज्यादा देती होगी शेयर होल्डर ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है ना? तो इसलिए जो है अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी प्रेजेंट करती है, कंपनी जो है उसको अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में शो करती है। आ रही बात हमें? क्यों दिखा रही है वो पीनल में अपने अर्निंग पर जी शेयर का? क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डरों को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, और वो जो है अपनी उसका कंपेरिजन भी कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस का कि भाई वो कितने लेवल पे चल रहे हैं। तो ये हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन प्रेजेंटेशन रिजल्ट। तो कंप्यूटेशन डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है? कम होना। डायरेक्टर मतलब क्या होता है? किन किन कम होना। कंडीशन, किन किन कंडीशंस के अंदर अर्निंग पर शेयर हमारा कम हो सकता है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। डायल्यूटेड बेसिक तो मैंने बता दिया, अर्निंग फॉर इक्विटी निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, सिंपल आ जाएगा। अच्छा वो जो नंबर ऑफ शेयर है वो नंबर ऑफ शेयर निकालने के पीछे फंडा होगा। नंबर ऑफ शेयर का एक होता है, साल के शुरुआत में तेरे नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, ठीक है, और साल एट द एंड ऑफ द ईयर तेरे शेयर्स हैं 1,50,000। अब भाई कितने लोगे शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने लोगे, 1,50,000 लोगे या 1 लाख लोगे? तो जी नहीं लेंगे, वहां पे हमने वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेट्स को कंसिडर करेंगे कब कब शेयर इशू हुए थे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब डायल्यूटेड का मतलब क्या है? डायल्यूटेड का मतलब है कम होना। अब मैं जो बेसिक निकालूंगा वो मैं डायल्यूटेड निकालूंगा, हमेशा उसमें फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। डायल्यूटेड का मतलब क्या होता है? डायल्यूटेड का मतलब है देखो, पहली बात तो ये है, जैसे मान लो डिबेंचर है, डिबेंचर को मैं कन्वर्ट कर दूँ शेयर में, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, ठीक है। अच्छा चलो, डिबेंचर को अगर मैं शेयर में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या क्या डिफरेंस आते हैं? आवाज आ रही तेरे को? यस सर। आ रही अब ज्यादा क्लियर है? यस सर। अब ज्यादा क्लियर। वो माइक ना दूर था। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं कि भाई अगर मान लो मैं डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ेगा बताओ, जोर से बोल। इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, डिवेंचर कम हो ये भी क्या जाएंगे, बता, तो कुछ और डिवेंचर कम हो जाएंगे। वो तो हो ही गए, उसको छोड़ो। हमारा अर्निंग पर शेयर का इक्विटी से लेना देना है, और इक्विटी अर्निंग पर शेयर से लेना देना है। अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है? एक तो नंबर ऑफ शेयर से, फिर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। दूसरा जो अर्निंग बची है, अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा? अर्निंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो फिर इंटरेस्ट हाँ देना पड़ेगा। अर्निंग बढ़ जाएगी मैम, ठीक है, अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। अर्निंग बढ़ने के साथ साथ क्या हमारे पे और भी कोई फर्क पड़ेगा? कैपिटल वो तो डिबेंचर हटा दे, मैं सिर्फ इधर उधर की बात कर रहा हूँ। कैपिटल इंक्रीज हो गया। इंक्रीज तो हो ही गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, वो तो बात हो ही गई। हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें टैक्स ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा जो इंटरेस्ट था उस पे डिबेंचर पे वो हमें टैक्स सेविंग करा रहा था, तो हमारे पास टैक्स एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ेंगे। अब इन इन फर्क की वजह से हमारा जो है जो अर्निंग पर शेयर है वो डाइल्यूट कर जाएगा। सेम ऐसे प्रेफरेंस शेयर में होगा, प्रेफरेंस शेयर को अगर लें, प्रेफरेंस शेयर को मैं शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ गई, हमारी इक्विटी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। 1 मिनट, दरवाजा बंद करो। जी।
चलो तो मैं क्या कह रहा था कि भाई प्रेफरेंस शेयर क्या करोगे तो प्रेफरेंस शेयर से क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहला फर्क पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। दूसरा बताइए क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो सोच जब तक। टैक्स टैक्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड में टैक्स का कोई रोल ही नहीं है। तो हाँ सॉरी सॉरी, सर डिविडेंड इसका ज्यादा देना पड़ेगा। डिविडेंड हमें कम देना पड़ेगा, डिविडेंड की सेविंग हो जाएगी। दूसरी ओके बात, ओके असल में क्या होता है, जब हम लोग जो है किसी बंदे को डिविडेंड देते हैं तो कंपनी को सीडीटी भरना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बताया था मैंने तुम्हें एक बार, अगर किसी बंदे को डिविडेंड इनकम होती है तो वो जो है वो पर्सन जो है वो टैक्स नहीं देता। टैक्स कौन देता है? टैक्स देती है कंपनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो वो हमारा बच जाएगा, एक हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बच जाएगा, एक हमें डिविडेंड की सेविंग हो जाएगी। तो उससे भी हमारा क्या होगा, हमारा जो है अर्निंग पर शेयर डायलूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी है कि इस चैप्टर में क्या क्या कुछ हो सकता है। चलो ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर इज अ फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू ईच इक्विटी शेयर। एट्रीब्यूटेबल मतलब कि जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, यानी उसमें हम लोग डिवेंचर्स वालों को इंटरेस्ट दे चुके हैं, लोन वालों को इंटरेस्ट दे चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे चुके हैं। सब कुछ देने के बाद जो बचा वो हमारा एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर है, ठीक है, यानी कि अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गया। एंड AS20 गिव्स कंप्यूटेशनल मैथडोलॉजी फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर। तो AS20 हमारा किस बारे में है कि आप कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे अर्निंग पर शेयर को, उसके मेथड वगैरह बताए गए हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, ठीक है, और किसकी बेसिक और डायलूटेड दोनों की, दोनों अर्निंग पर शेयर की, ये सारी बातें हमारे AS20 में दी गई है। तो आगे कहते हैं दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी कंपनीज। सारी कंपनीज के लिए ये AS एप्लीकेबल है, ये AS तो लगेगा लगेगा। हाउ एवर डिस्क्लोजर ऑफ डायलूटेड अर्निंग पर शेयर बोथ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा आइटम इज नॉट मैंडेटरी फॉर SMC। SMC बताएं स्मॉल कंपनी होती है हमारी, ठीक है, उनके ऊपर ये डायलूटेड अर्निंग पर शेयर को शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके उनके लिए कंपल्सरी है कि आप डायलूटेड को दिखाओ, ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनी का जरूरी है कि आप अपना डायलूटेड अर्निंग पर शेयर भी शो करना पड़ेगा। सच कंपनीज आर हाउ एवर एनकरेज टू मेक दैम डिस्क्लोजर। लेकिन ये होता है कि उन कंपनी को ये शो करना चाहिए। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई AS20 शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन पे ही निकाल के बताओगे अर्निंग पर शेयर, ठीक है। चले जी डेफिनेशन है इसके अंदर, AS20 के अंदर। पहली बात, एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर अदर देन अ प्रेफरेंस शेयर। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है। वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है इक्विटी है, वो शेयर जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर है, यही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप प्रेफरेंस शेयर या शेयर, और इसमें हमारे प्रेफरेंस शेयर राइट होते हैं डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ द ऑफ वन एंटरप्राइज एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटरप्राइज, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट हो गया एक तरीके से, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो गया एक तरीके से, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिससे कि एक बंदे की तो फाइनेंशियल एसेट बन जाती है, इन्वेस्टर के लिए क्या बन गई? फाइनेंशियल एसेट, और एक के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाती है, कंपनी के लिए इक्विटी शेयर बन गई। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी तो होती है, अल्टीमेटली तो पे ऑफ करना है ना उनका पैसा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटरप्राइज अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल ओवर एन इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटरप्राइज। ये सारी हमारी किस्म आती है फाइनेंशियल एसेट के डेफिनेशन के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। अब बाकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटरप्राइज और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटरप्राइज अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। जो फेवरेबल है वो एसेट है, जो अनफेवरेबल है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि अनफेवरेबल के बदले में हमारे पास क्या आ रही ऑब्लिगेशन, हमने कैश डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है।
पोटेंशियल इक्विटी शेयर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंड टाइटल्स और मे एंटाइटल इस होल्डर टू इक्विटी शेयर। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बेसिकली क्या है, जो कि बाद में इक्विटी शेयर बन जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन से हैं जो कि बाद में कन्वर्ट होंगे। मैंने कहा भाई 5 साल बाद जो है मेरे प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहलाएंगे। ठीक है, हमारे पास समझ में, यस या फिर और इक्विटी शेयर बिक जाएंगे। भाई मेरे को लग रहा है कि भी मेरे और इक्विटी शेयर बिक सकते हैं, मैं मार्केट में और इश्यू करूंगा तो और बिक जाएंगे, तो वो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, एस एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल शेयर। अब देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या डेट इन इंस्ट्रूमेंट या प्रेफरेंस शेयर अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर में तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। शेयर वारंट्स हैं, बाद में शेयर सर्टिफिकेट में चेंज होंगे, वो हमारे पोटेंशियल हैं। ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, इंक्लूडिंग अंडर विच इंप्लॉयज ऑफ एन एंटरप्राइज आर एंटाइटल टू रिसीव इक्विटी शेयर एज पार्ट ऑफ देयर रेमुनरेशन एंड अदर थिंग्स ऑफ प्लान। अच्छा, ऑप्शन का बड़ा अच्छा याद है मेरे को। मैंने तुम्हें दो चीजें बताई कि भाई सर, जो, हाँ बेटा बोलो। वारंट का मतलब क्या होता था? वारंट, देखो असल में क्या, तूने ना शेयर बेचा, ठीक है, जब तूने शेयर बिल्कुल बेचा तो क्या तेरे को इमीडिएटली शेयर मिल जाएगा, नहीं सर, नहीं मिलेगा। तो हमें इमीडिएटली क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिस पे ये लिखा होगा भाई मैंने शेयर बेचा है, यानी वो क्या है, शेयर वारंट है, एक टाइप का चलान हो गया। अच्छा ठीक है, बाद में जब तुम ये जाके कंपनी में जमा कराओगे तो कंपनी तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। पुराना वाला ठीक है शेयर सर, शेयर सर्टिफिकेट जो किसी और बंदे के नाम था वो तुम जमा करा दोगे और तुम्हारे नाम पे तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो शेयर यस वारंट भी शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट होएगा, तो भी क्या हमारा पोटेंशियल है। चलो, तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा था, तो मैंने तुम्हें पहले बताया डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर हो जाएगा, प्रेफरेंस को करेंगे वो इक्विटी शेयर हो जाएगा, तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो है वो डायल्यूट कर जाएगा। तो क्या ऑप्शन में भी डायल्यूट करता है, हाँ जी ऑप्शन में भी डायल्यूट करता है। अगर मैं ऑप्शन देता हूँ इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अगर करता हूँ कि भाई इम्प्लॉय के मैं 3 साल बाद शेयर दूंगा तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा मैं उसके मुकाबले कम पे दूंगा। एट प्रेजेंट मान लो मार्केट में 120 चल रहा था, मैं उनको बोलूंगा भाई मैं तेरे को 100 रुपये दे दूंगा, तो 20 रुपये का लॉस यहाँ पे भी हो रहा है पर शेयर, तो उसकी वजह से भी हमारा अर्निंग पर शेयर डायल्यूट कर जाता है। तो जो ऑप्शन होते हैं वो भी हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, क्योंकि वो अभी नहीं हुए हैं कन्वर्ट, वो तो बाद में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि कितने एम्प्लॉय लेंगे, सारा स्टॉक ऑप्शन प्लान उठाएंगे या नहीं उठाएंगे वो डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में, यस सर, डी पॉइंट शेयर्स विच वुड बी इशूड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कंटीजेंसली इशूड इशूएबल शेयर सच एज द एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस और अदर एसेट और शेयर इशूड अंडर द लोन कॉन्ट्रैक्ट, जो वो नहीं होता जैसे कि कंसिडरेशन अदर देन कैश, आप कोई एसेट लाए खरीद के उसके बदले में क्या करें शेयर इशू कर दोगे, तो वो क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ठीक है, अ पार्टली पेड अप शेयर वेयर द होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इज ट्रीटेड एज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डायल्यूटेड ईपीएस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो छोटा सा पॉइंट है, इस छोटे से पॉइंट में बात कितनी बड़ी है। एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा भी मैंने भी 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, सुन रही यूवी का, हाँ जी सर, तो मैंने क्या बोला कि 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है और उस पर 8 रुपये पेड अप है, तो मेरे पास कितने पैसे आ रखे हैं, 80,000। तू भी बोलना, वो भी बोलेगी उधर से, तू ही बोल, तो कितने पैसे आ रखे मेरे पास, 80,000। अब अगर मैं 80,000 को देखूं तो 80,000 का मैं फुल्ली पेडअप में अगर कन्वर्ट करूं तो कितने शेयर हुए, सो 8,000 ना लायक, 100 कैसे हो गए। अच्छा सर, 80,000 को अगर मैं कन्वर्ट करूं फुल्ली पेडअप में, फुल्ली पेडअप कितना था, 10 रुपये का, तो 80,000 का मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 8,000। यानी कि जब मैं वो निकालूंगा अर्निंग पर शेयर, जब मैं निकालता हूँ तो नीचे में जो नंबर ऑफ शेयर्स देता हूँ ना, नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कौन से आते हैं, फुल्ली पेडअप वाले आते हैं। अर्निंग पर शेयर इसने साफ साफ कह रखा, पार्टली पेड अप शेयर जो है ना वो उनको डिविडेंड मिलता नहीं है, वेयर द होल्डर इज नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड। ठीक है, तो अगर मेरे को वहां पे अर्निंग पर शेयर निकालना है तो पहले मेरे को उसको फुल्ली पेड अप में करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब मैं फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करूँ तो लोगों से पैसे मांगने जाऊंगा, जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा भी है जो 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 पैसे आ रखे हैं उसी को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, यानी वहां पर वहीं से तुम नंबर ऑफ शेयर बनाओ कि फुल्ली पेड अप कितना बन रहा है। तो मेरा फुल्ली पेड अप 8,000 शेयर का बनेगा, तो वहां पे जहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेयर यूज करूंगा डिवाइड करने के लिए वहां पे मैं 8,000 शेयर रखूंगा।
10,000 नहीं रखूंगा, तो उसमें भी डायल्यूटेड ईपीएस निकलता है अगर पार्टली पेड अप शेयर हो जाए। और छोड़ो बोनस शेयर जब हम लोग इश्यू करते हैं, बात सुन रही है ध्यान से, यस सर, जब हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं तो बोनस शेयर में क्या होता है, प्रियव को से लाया था, उससे क्या होता है वैल्यू पर शेयर गिर जाती है, वहां पे भी हमको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो वही काम तो बहुत सारा हो गया, बोनस शेयर वाला हो गया, पार्टी पेड अप वाला हो गया, राइट इशू से भी फर्क पड़ता है, राइट इशू भी सस्ता जाता है, फिर हमारा डिबेंचर कन्वर्ट हो गया, फिर हमारा ऑप्शन आ गया, फिर हमारा प्रेफरेंस आया। तो हमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आने चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं हमारी बुक कितने कवर कर रही है। ठीक है चलो चले आगे। तो शेयर वारंट और ऑप्शन आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर द राइट टू अक्वायर इक्विटी शेयर। ठीक है तो शेयर वारंट क्या है और ऑप्शन क्या है जिसके बदले में आपको बाद में इक्विटी इक्विटी शेयर। मिल जाते हैं। ठीक है यानी अक्वायर कर सकते हैं, यानी शेयर वारंट के थ्रू भी, ऑप्शन प्लान के थ्रू भी। अगर ऑप्शन प्लान के पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैं एक एम्प्लॉई है कंपनी का, तो मैं बाद में जाकर उनको शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और अ लाइबिलिटी सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। तो कहने का तात्पर्य है कि फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बदले में आप एसेट को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लाइबिलिटी को पे कर सकते हो, तो वो फेयर वैल्यू है वो अमाउंट। एक सिंपल से याद है, मान लो मैंने भी 5 लाख की फर्नीचर ले लिया, 5 लाख का जो फर्नीचर ले रखा है, मैं उसके बदले में मान लो 2,000 अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, तो वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई, करो 5,000 डिवाइड बाय 2,000, 5 लाख डिवाइड बाय 2,000 250 होगा, 250। 250 होगा, तो फेयर वैल्यू मेरी कितनी आएगी शेयर की, 250 रुपये आ गई। आ रही बात समझ में। चलो अब इन्होंने आगे फॉर्मूला बता रखा अगले पेज 4.94 पे बेसिक। अरे यार हाथ की लंबाई मैंने कैलकुलेट कर लिया क्या, आराम से एक एक वर्ड की मीनिंग चाहिए लड़के को। वहां पे ना थोड़ा सा लॉजिकली भी पकड़ते हैं कि भाई विलिंग पार्टी इन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, इतनी सी ट्रांजेक्शन में हमने पता लगा लिया फेयर वैल्यू क्या है। अब देखो इन्होंने, देखो मैंने कहा ना बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, क्या दे रखा है, बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर अपॉन में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वेटेड एवरेज। अब देखो जैसे मान लो सपोज करो मैंने कहा 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर मेरे पास जो है साल के शुरू में थे और साल के एंड में कितने बोले मैंने, 1.5 लाख। अब ये जो मैंने जो 50,000 इशू किया है, मान लो ये मैंने किया 1 अक्टूबर को इशू, तो मैंने 1 लाख शेयर कितने टाइम तक के लिए थे, 6 महीने के लिए थे, और 1.5 लाख शेयर मेरे कितने दिन के लिए थे, 6 महीने के लिए थे। तो मैंने इनका वेटेड एवरेज निकालूंगा, कैसे निकला, 1 लाख इंटू में 6 बाय 12 प्लस 1.5 लाख इंटू में 6 बाय 12, तो 1 लाख का कितना हुआ उधर 50,000, और 1.5 लाख का कितना हुआ 75,000, दोनों को जोड़ा तो 1,25,000 है। हाँ 1,25,000 आया, ठीक है 1,25,000 पे आएगा। अब अगर मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ, मान ले मैंने जो जो 1.5 लाख इशू किए हैं, यानी जो 50,000 इशू किए हैं, वो मैंने कर दिए 1 जुलाई को, 3 महीने रहे 1 लाख और 9 महीने रहे 1.5 लाख। अब बता कितना, 1.5 लाख का 9 बाय 12 निकाल कितना हुआ, 1,12,500।1,30,000 टोटल है, तो चेंज हो गया ना। तो भैया वेटेड एवरेज को बड़े ध्यान से निकालना है, आप सीधा उठा के शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है चले जी आगे, बात आ गई समझ में। यस सर, अब आगे चलो, कहता अर्निंग हम लोग निकालने जा रहे हैं बेसिक। तो ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज इन अ पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर इंक्लूडेड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अनलेस AS5 रिक्वायर्स और परमिट अदरवाइज। तो कहता है कि भाई सारे इनकम एक्सपेंस हम लोग जो है रिकोगनाइज कर लेते हैं, टैक्स का एक्सपेंस भी रिकोगनाइज कर लेते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी रिकोगनाइज कर लेते हैं। याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट की थी तुमने, है ना, उसमें याद है सारे आइटम कौन कौन से होते थे, वो सारे के सारे हमने रिकोगनाइज कर लिए, फिर वहां से हमने जो नेट प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है जो भी AS5 ने हमको परमिशन दी उसके हिसाब से, द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड एनी एट्रिब्यूटेबल टैक्स दे टू फॉर द पीरियड इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और एडेड टू द नेट लॉस फॉर द पीरियड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने पता भी
मैंने तुम्हें वो बताया ना, जो लाइन बता रखी है EBIT, में से हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया, फिर हमारा क्या आया, अगर मैं यहाँ पे लिख के लिखने की कोशिश करूँ एम ए पद वाला माउ, वो जोड़ दूँ क्या इसमें टाइपिंग वाला, यस सर, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। वीडियो बढ़िया बन जाएगी। हाँ देखो जैसे ये वाला था EBIT था हमारा, EBIT माइनस क्या था इंटरेस्ट, ये हमारा क्या बनता था EBT माइनस टैक्स, इसमें से हमने माइनस किया टैक्स, क्या बन गया ये बन गया हमारा EAT, ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है, इसमें से हम लोग माइनस करते थे कौन सा प्रेफरेंस का डिविडेंड, ठीक है, और ये हमारा बचता था EFE। ओके अब ये जो EFE बन रहा है ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, ये हमारा एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दिख रहा है यूवी का, बड़ा करो उसको अब, ठीक है, सर जूम कर लिया मैंने, दिख रहा है मैंने और जूम कर दिया, सर, अब ज्यादा हो गया, आप कम रखो, मैंने इधर से कर दिया सर। ठीक है ठीक यस सर, है। तो ये हमारा था टेबल जिसमें हम लोग निकालते थे, ठीक है, वापिस आते अपने दूसरे स्क्रीन पे, तो ये यही बता रहा है कि इसमें से हमने जो है क्या कर रखा है, प्रेफरेंस का डिविडेंड हटा रखा है, हमने टैक्स हटा रखा है, और हम लोग नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं, जो किस लिए है एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पीरियड दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज द अमाउंट ऑफ एनी प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड। नॉन कॉम्युलेटिव कौन से होते प्रेफरेंस शेयर, जिनका डिविडेंड जुड़ता हुआ नहीं आता, डिविडेंड है ना, जुड़ता हुआ नहीं आएगा, तो वही सीधा आके यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। एंड द फुल अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर द पीरियड वेदर और नॉट द डिविडेंड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, यानी जो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनका सबका डिविडेंड इकट्ठा होकर आ जाएगा, टोटल आके माइनस होगा यहाँ पे, उस नेट प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट में से जो बचा था हमारा, ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें से हम लोग जो है अगर कॉम्युलेटिव आते हैं तो सारा का सारा जितना भी कॉम्युलेटिव होता हुआ आया है डिविडेंड, वो सारा का सारा उठा के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पीरियड डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और डिक्लेयर ड्यूरिंग द करंट पीरियड, करंट पीरियड का नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर, चलो जो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके अंदर जो है कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का पेड या डिक्लेयर ड्यूरिंग द करंट ईयर वाला नहीं डल रहा है, नहीं डाल रहे हैं उसको, आ रही बात समझ में, क्या निकालने के लिए एट्रिब्यूटेबल डिविडेंड निकालने, एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए इक्विटी शेयर वालों के लिए, हम वहाँ पे करंट ईयर का नहीं पिछले सालों को जोड़ते आ रहे हैं, करंट ईयर का चाहे पेड किया है चाहे वो तुमने अप्रूव किया है डिक्लेयर किया वो नहीं डलेगा, पिछला डलेगा। इफ एन एंटरप्राइज हैज मोर देन वन क्लास ऑफ इक्विटी शेयर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इज अपोर्शन ओवर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर इन अकॉर्डिंग विद देयर डिविडेंड राइट्स, कहता है अगर सिंपल ज्यादा कई कंपनी जो है 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, 50 वाले इशू कर रखे हैं, 20 वाले कर रखे हैं, अलग अलग टाइप के हो गए, वन क्लास से ज्यादा हो गई क्लास इनके, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा किस हिसाब से, डिविडेंड राइट के हिसाब से, यानी अर्निंग पर शेयर सबका अलग अलग निकलेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड देयर विल बी मोर देन वन बेसिक EPS फॉर सच अ कंपनी, तो बेसिक EPS एक से ज्यादा हो सकता है, EPS फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, हर एक क्लास के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। अब उन्होंने फटाफट एक रिकैप सा मारा है कि जब आप जो एडजस्टमेंट करोगे तो कैसे कैसे करोगे, पहली बात हम लोग टैक्स एक्सपेंस हटाएंगे वहाँ से, बिल्कुल हटाएंगे, करंट का या डेफर्ड है, एक्सेप्शनल आइटम एज पर द AS5, एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम एज पर AS5, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS5, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये कौन सा आ गया तुम्हारा, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करना, डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कोई हुई है उसको भी हम लोग माइनस करेंगे, उसमें से अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का नॉन कम्युनिटिव का इमिडिएटली कर देंगे, कम्युनिटिव का यस कर देंगे, लेकिन हम लोग जो है पीरियड को नहीं उठाएंगे करंट वाले को,
चलो अब आ गया पर शेयर बेसिक, तो आ गया था नंबर ऑफ शेयर्स यूज इन द डिनोमिनेटर फॉर द बेसिक अर्निंग पर शेयर शुड बी द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। यही पढ़ा हमने पेशे कि अर्निंग पर शेयर अगर मेरे को बेसिक वाला निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा उसका। द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो शुरुआत में थे, मैंने कहा 1 लाख, 1 लाख के शेयर शुरुआत में थे, बाकी एडजस्टेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोर्ड बैक और इशूड। बोर्ड बैक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने कहा भाई 1 लाख के शेयर मेरे साल के शुरू में थे, साल के एंड में 75 रह गए, तो ये भी पॉसिबल है, बोर्ड बैक भी हो सकता है उसमें। बाय हाँ बाय बाय का दूसरी फॉर्म होगी ना, सेकेंड फॉर्म होगी बब की बोर्ड, ठीक है। और इशूड ड्यूरिंग द ईयर, और इशूड कर रखी हो पीरियड मल्टीप्लाई बाय टाइम वेट फैक्टर, जैसे मैंने कहा था 9/12 या फिर 6/12। हमारी बात समझ में? द टाइम वेटिंग फैक्टर इज नंबर ऑफ डेज द शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग अपॉन माई नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। ऑल दो द, यानी हमने डेज के हिसाब से निकाल लिया, हमने मंथ के हिसाब से निकाला था, बट डेज भी हो सकता है। मान लो उसने मेरे को तारीख दे दी 12 जून, बताओ जी योविका जी कितने दिन हुए 12 जून तक? सर समझ नहीं आया। अच्छा मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा। एक बार बता, मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा था भाई, तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 लाख के शेयर साल के शुरू में थे, फिर जो है सर 1 जुलाई को हमने जो है 50,000 शेयर और इशू कर दिए, तो मेरे 1.5 लाख शेयर हो गए, तो मेरे एक यस सर लाख रहे 3 महीने। मैंने कहा 1 लाख × 3/12, फिर मैंने कहा कि वो 50,000 कितने रहे, 1.5 लाख कितने रहे 9 महीने, तो 1.5 × 9/12 ये किया हमने वहां पे। अब मैं कह रहा हूँ मान लो मैंने 12 जून को शेयर इशू कर दिए, जून को, 12 जून को, तो नंबर ऑफ डेज कितने बने? 73 बने, यस सर डिवाइडेड बाय 365। यही दे रखा नंबर ऑफ डेज शेयर आर आउटस्टैंडिंग 73 अपॉन में नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड 365। नंबर ऑफ डेज का पंगा बड़े तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे हम लोग मंथ का तो सीधा उठाते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ अपॉन में नंबर ऑफ मंथ इन द पीरियड 3/12। आ रही बात समझ में? यस सर ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि तो बाद में इसको देख लो, ठीक है। हाँ जी सर ऑल दो द स्टैंडर्ड डिफाइंस द टाइम वेटिंग फैक्टर एज बीइंग डिटरमाइंड ऑन द डेली बेसिस, इट एक्नोलेज दैट द रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेटेड एवरेज इज एडिक्वेट इन मैनी सर्कमस्टेंसेस। तो कहता भैया वो डेज में हम लोग जो डेली बेसिस में हम लोग उसको काउंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो है जो अप्रोक्सीमेशन है वो एक्यूरेट बने, थोड़ा बहुत एडुकेट रहे कुछ उसमें। चलो अभी ना देखो इलस्ट्रेशन दिए पहली, कहता है 1 जनवरी को इनके जो पड़े थे कितने 1800 शेयर पड़े थे, 31 मई को इन्होंने 600 शेयर और दे दिए, अब कितने हो गए 2400 हो गए। अब 1 नवंबर को इन्होंने बायबैक कर लिया 300 शेयर, कितने रह गए 21 रह गए। अब देखो 1 जनवरी को जब मैंने लिया, अब इन्होंने क्या कैलेंडर ईयर ले रखा है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है कैलेंडर ईयर मान के कर, अब मैंने 1 जनवरी को मैंने 1800 शेयर इशू किया, नया इशू कब हुआ है 31 को, तो मेरे जो 1800 शेयर है वो कितने दिन रहे 5 में, तो 1800 × 5/12, ठीक है प्लस। अब अगला चेंज कब है 1 नवंबर को, ध्यान से सुन रही है, हाँ जी सर हाँ जी अगला चेंज कब है 1 नवंबर को, तो जो 2400 शेयर थे 2400 जो शेयर्स हुए हैं वो कब हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 5 महीने हो गए 2400 × 5/12 प्लस, अब 300 कम हो गए, अब ये कितने दिन रहे 2 महीने, 2 महीना नवंबर दिसंबर, तो ये निकल के तुम्हारा वेटेड एवरेज 2100 शेयर, ठीक है। तो इन 2100 शेयर से हम लोग जो है डिवाइड करेंगे जो भी हमारी एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है। इन्होंने यस दूसरे सर दूसरे तरीके से भी निकाल रखी है, कैसे निकाल रखा है, 1800 पूरे 12 महीने रहा, 600 हमारा 7 महीने रहा, और 300 हमारा 2 महीने रहा, इस तरीके से निकाल सकते दो हैं। लेकिन ऊपर वाला मैटर में ज्यादा अच्छा लगता है, ये टोटल टोटल करके निकाल लो तो बाद में पंगे नहीं पड़ते, नहीं तो भूल जाता है, तो ना क्या भूलते हैं माइनस वाला भूल जाते हैं, दूसरे मेथड में माइनस वाला भी है ना, महीने यस सर तो वो भूल जाते हैं, इसलिए ऊपर वाला मेथड ही ठीक रहता है, ऊपर वाला ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके इन मोस्ट केसेस शेयर्स आर इंक्लूडेड इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द डेट द कंसिडरेशन इज रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज फॉर कैश आर इंक्लूडेड व्हेन कैश इज रिसीवेबल।
कहता इक्विटी शेयर आपने जो है कैश के बदले में इशू कर रखे हैं वो इंक्लूड होते हैं जब कैश रिसीव होता है। इक्विटी शेयर इशूड एज ए रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू इक्विटी शेयर आर इंक्लूडेड। एक 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 मिनट कुछ रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, जहां तक पढ़ा है वहां तक रीड करो थोड़ी देर। चलो ज्यादा नहीं किया अभी हमने, थोड़ा सा किया। यस सर, चलिए विकास शुरू कर, पहले रीड करना शुरू करो, यहाँ तक रीड करो फिर आगे स्टार्टिंग चलेंगे। हाँ स्टार्टिंग से। से एक एक काम अगर तुम लोग बोल बोल के पढ़ो ना तो ज्यादा अच्छा होता है, मन मन में ठीक पढ़ने से ज्यादा ना बोल बोल के पढ़ने में होता है, और मुझे पता भी चलता है कि पढ़ रहा हूँ। बोल बोल के पढ़ो। सर, हाँ ये ना पेज नंबर 4.93 पे ना सी जो पॉइंट है उसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कौन सा पेज है? 4.93 पे कौन सा पॉइंट? ये फाइनेंशियल एसेट वाला बोल रहे हैं अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटरप्राइज अंडर हाँ कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात होगी ना। मेरा रस्ते की बात होगी। एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटलमेंट और का पेज डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ पेंशन वर्किंग स्टाइल द प्रेफरेंस शेयर दैट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर शेयर होल्डिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड व्हिच एम्प्लॉईज आर Enterprise entitled to receive equity share of a profit from remuneration. Share which will be issued upon the discussion of the confirmation of the different contractual arrangement. Inclusion issue of shares such as the position of business of the asset, loan, contract account, sold off in the principal and interest of the interest of the world. Apart from paid up. Share where the holder is not entitled to the holding as we predict the potential of the share of the profit from the enterprise. बट लिमिट ट्रांजेक्शन तो
कम जो कह रहा है, इन मोस्ट केसेस शेयर्स आर इंक्लूडेड इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीवेबल। तो हम लोग जब हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर उठाते हैं, तो हम लोग वहां पे कब डालते हैं, जब पेमेंट रिसीवेबल रिसीवेबल होता है। ठीक है, यस सर। रिसीवेबल का मतलब मिलना नहीं होता, ड्यू होता है, अक्रू करना है, अक्रू। जैसे पहले दे रखा है, इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं कैश के बदले में, इक्विटी शेयर दिए हमने कैश कैश के बदले में के बदले में, तो हम लोग कब डाल देंगे, मैं कैश रिसीवेबल। दूसरा, इक्विटी शेयर इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर आर इंक्लूडेड एज ऑफ द डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट ऑफ कन्वर्जन पे हम लोग डाल देंगे उसको। या ध्यान रखना है पॉइंट, अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे ये पॉइंट आएंगे काम में। ओके इक्विटी शेयर्स इशूड इन लियू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्लूडेड एज ऑफ द डेट इंटरेस्ट सीजेस टू अक्रू। कह रहा है इक्विटी शेयर हम लोग किसी इंटरेस्ट के बदले में दे रहे हैं, और हमने क्या किया, हमने कहा भाई इंटरेस्ट के बदले में तुम शेयर ले लो हमसे, हमारे पास तो पैसे है नहीं। चलो, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, यानी वो जो है जिनका इंटरेस्ट ड्यू हो रखा है, उन्होंने कहा यार चलो यार तुम पैसे मत दो, हमें शेयर दे दो। तो हम लोग जब उनको शेयर देंगे तो वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो सीज हो गया, अब इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो कह रहा है जिस डेट से इंटरेस्ट मिलना अक्रू होना बंद हो जाएगा, उस डेट से वो हम लोग कंसिडर करेंगे। डेज काउंट करने की बात आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला, इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी के बदले में शेयर दे रहे हैं। मान लो कोई क्रेडिटर्स थे, मान लो बैंक लोन था, चलो बैंक लोन वाला, हमने बैंक से बात की आप भी बदले में इक्विटी शेयर ले लो। ठीक है, तो हमने लाइबिलिटी के सेटलमेंट में क्या दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए। तो जिस डेट से सेटलमेंट इफेक्टिव होगी, यानी सेटलमेंट डन होगी, उस डेट से हम लोग डेज काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देखो, इक्विटी शेयर इशूड एज ए कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये तो वही वही आ गया, अदर देन कैश वाला आ गया। हम लोग एसेट खरीद के लाए और बदले में हमने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया। तो शेयर जिस डेट से एक्विजिशन हो जाएगी, एक्वायर हो गया, फर्नीचर उठा के लाया था, फर्नीचर मेरे यहाँ पे आ गए, अब बेशक मैं 2 दिन बाद उसको इशू करूंगा शेयर, लेकिन जिस डेट पे वो आ गए है ना, फर्नीचर उठ के मेरे बिजनेस में जिस दिन आ गया, मेरी कंपनी में आ गया, वो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, और वहां से हम लोग डिस्काउंट करेंगे। अगला, इक्विटी शेयर इशूड फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब मान लो हम लोग किसी सर्विसेज लेते हैं, और उसकी सर्विसेज के बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से लेंगे, जिस डेट को उसने वो सर्विस, ठीक मैंने भैया कंपनी के सारे एसी रिपेयर करवाए, कंपनी के एसी, मान लो मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, तो खर्चा आ गया 20 लाख का, 20 लाख के मैंने कहा भैया शेयर ले ले, तो जिस दिन वो सर्विस की थी उसने, उस डेट से हम लोग जो है डेज काउंट करें। आ रही बात समझ में यूवी का। यस सर। चलो, इन दीज एंड अदर केसेस द टाइमिंग ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन अटैचिंग टू देयर इशू। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी होगा, तो हम लोग सिर्फ वही डेट उठाएंगे जिस डेट को हमने शेयर इशू किए होंगे। इनमें हम लोग डेट ऑफ इशू नहीं उठा रहे, ये जो ऊपर पॉइंट पड़े हैं, हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जब अक्रू हो रही हो चीज़। इसके अलावा और भी और कोई केस होगा तो हम लोग कौन सा उठाएंगे, ठीक डेट ऑफ इशू उठाएंगे। ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द सब्सटेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएट विद द इशू। चलो यहीं तक ही करते हैं, है ना, कि स्टार्टिंग के लिए ठीक है ना योविका, है तो वैसे बैठने लायक, थकी तो नहीं। चलो, नहीं सर ठीक एमएल कमीशन का है, कल करेंगे, 12 ही बज गए, 1 घंटा है बहुत है। चलो ठीक है, ठीक ओके, टाटा, बाय बाय। है। थैंक यू सर। बाय सर।